अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, 1500 KVA स्टार कनेक्टेड, 1500 KVA स्टार कनेक्टेड, 6.6 KV सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर बोला है उसने, क्या बोला है, सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, XD इज इक्वल टू 23.2 ओम, 23.2 ओम एंड XQ इज इक्वल टू 14.5 ओम पर फेज रिस्पेक्टिवली, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, कैलकुलेट द एक्साइटेशन EMF व्हेन द मोटर इज सप्लाइंग रेटेड लोड एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, एट व्हाट अ 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, बात समझ में आ गई। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये जो इलेक्ट्रिकल पावर दिया है कौन सा पावर है, जब मोटर की बात चलती है तो मोटर में क्या होता है ना कि जो इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल होता है, तो जो पावर दिया मतलब कौन सा पावर होगा, दिस विल बी इनपुट के भी है, क्या होगा बेटा आपके पास है इनपुट के भी है। तो देखिए उसने जो डेटा दिया है, जो क्वेश्चन में उसने बोला है, उसको आप एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा कि जो वैल्यूज लिखे हैं वो वही वैल्यूज आपने अपने इसमें लिखे हैं कि नहीं लिखे, क्योंकि यही होता है छोटा छोटा मिस्टेक्स कि जिसमें वैल्यूज गलत हो जाती है फिर पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, बात समझ में आ गया। देखिए जो उसने दिया है उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं कि अपन उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड देखेंगे गिवन क्या है, ये बात तो पता है कि मतलब एक मोटर दिया है लेकिन कौन सा है, सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। सो मोटर इज सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, बात समझ में आ गई। फिर जो उसने डेटा दिया उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या दिया उसने, देखिए उसने रेटिंग दी है, रेटिंग दिया है उसने भाई कितना, 1500 KVA, सो दिस इज 1500 KVA, टर्मिनल वोल्टेज उसने दिया है विच इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज एंड दिस इज इक्वल टू 6.6 KVA, VL मतलब VT पर फेज अगर इसके बात मैं करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाय √3 KVA, दिस विल बी 3810.5 वोल्ट, इतना आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार आप फिर से कैलकुलेट कर लेना, XD एंड XQ, XD का वैल्यू है 23.2 ओम एंड XQ का वैल्यू 14.5 ओम, ठीक है, पर फेज रिस्पेक्टिवली, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज गिवन अस cos phi इज इक्वल टू 0.8 लीडिंग, क्या दिया है, cos phi इज 0.8 लीडिंग दिया है, बात समझ में आ गई। 6.6 डिवाइडेड बाय √3, देखिए एक बार कितना आ रहा है, 3810.5, करेक्ट भाई, बिल्कुल सही सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, जो रेटेड करंट की बात चल रही है ना, रेटेड करंट फाइंड करेंगे, उसने बोला क्या है, एट रेटेड लोड इज सप्लाइंग द रेटेड लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर, तो ऑब्वियसली कि अपन को रेटेड करंट पता करना पड़ेगा क्योंकि वहीं से रेटेड करंट से अपन रेटेड पावर मतलब रेटेड पावर से अपन रेटेड करंट फाइंड करेंगे एंड कैलकुलेशन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए बेटा इसमें क्या दिया उसने, देखिए उसने जो दिया है अपन को, S इज इक्वल्स टू 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात चल रही है, स्टार कनेक्शन उसने बोल दिया, इवन दो ही हैज नॉट मेंशन वेदर द मोटर इज 3 फेज 4 फेज और सिंगल फेज, बट बाय लुकिंग एट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कनेक्शन वी कैन डिटरमाइन and we can say or we can comment over this that the connection is 3 phase, this is √3 multiply by VL multiply by what IL ka jo value aayega yahan se, this will become what S ka value kitna hai, this is 1500 KVA, so 15 multiply by 10 ka power 3 divided by √3 multiply by 6.6 multiply by 10 ka power 3, to yahan se cancel ho jayega bhai, to dekhte hain ki iska jo value aayega, this will be 131.21 ampere, कितना, दिस इज 131.21 ampere, दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट, ठीक है। कनेक्शन आपके पास स्टार कनेक्शन है तो बेटा इसमें लाइन और फेज दोनों करंट कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अपन को अभी फाइंड क्या करना है, आगे जो फाइंड करना है उसमें देखिए क्या देखना है अपन को, टेन साई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टेन साई, ठीक है। तो टेन साई का मोटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि किस तरीके से उसको याद रखना, क्या मोटर के लिए फॉर्मूला, दिस इज VT साइन फाई, पहले मैं लैगिंग के लिए लिख के देता हूँ, माइनस IA XQ डिवाइडेड बाय VT कॉस फाई प्लस माइनस IARL, ठीक है, इस टाइप से। देखिए लैगिंग के लिए दोनों साइड दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि जो आपके पास जनरेटर का होता है ना वही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करना, बस करंट के वैल्यूज नेगेटिव कर देना, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के लिए देखिए क्या होता है आपके पास, आपको अगर याद आ रहा होगा तो जनरेटर के लिए क्या था, VT cos phi VT sin phi
वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स क्यू डिवाइडेड बाय वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर है। अब ये जो था ना ये जनरेटर का दोनों के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, दिस इज़ फॉर, दिस इज़ अ जनरेटर एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, बात समझ में आ रही है। और ये किसके आपके पास, दिस इज ऑफ मोटर, और ये मोटर में किसके लिए भाई, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, बात समझ में आ गया। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटर और मोटर के केस में अगर बात करूँ तो जनरेटर और मोटर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो देखिए ये जो जनरेटर का फॉर्मूला अगर आपने याद रखा किसके लिए, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, और अगर आप सिंक्रोनस मोटर का चाहते वास है तो सिर्फ क्या कि जगह करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, अगर आपने करंट के डायरेक्शन अपोजिट किए तो देखिए अपोजिट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, मतलब जनरेटर का लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर वाला सेम इज एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, डिफरेंस बस इतना कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें अगर इसी फॉर्मूले से अगर अपन को लीडिंग के लिए निकालना होगा तो जो एक्स का टर्म होगा उसका साइन अपोजिट होगा, तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको लीडिंग के लिए निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस का टर्म है क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का टर्म टर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसमें क्या क्या दिया है, उसमें देखिए रेजिस्टेंस उसने निगलेक्ट कर दिया भाई, और अभी तो उसने बोला किसके लिए, लीडिंग के लिए, तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ पहले, ठीक है। सो वी टी साइन फाइव मतलब कितना, 6310 तो 11 के वी के लिए आता है ना, उतना 3810.5 मल्टीप्लाई बाय साइन फाइव, देखिए कॉस फाइव उसने अगर 0.8 बोला तो साइन फाइव कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.6, तो दिस आर्मेचर करंट इज 131.21 मल्टीप्लाई बाय 14.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 14.5 डिवाइडेड बाय वी टी कॉस फाइव कितना आ जाएगा, 3810.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 0.8। तो देखिए भाई इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 3810.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 131.21 मल्टीप्लाई बाय 14.5 डिवाइडेड बाय 3810.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दिस विल बी 1.3741। टेन साई इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन साई इज इक्वल्स टू 1.3741। तो यहाँ से जो साई का वैल्यू आएगा ना आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू देखिए कितना आ जाएगा, दिस और इसका टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 53.955, कितना 53.955 डिग्री, बात समझ में आ गई भाई। ये किसका वैल्यू है, फाई का, साई का, किसका, साई का। और अपन को पता है कि साई का वैल्यू क्या होता है, वी नो डैट साई इज इक्वल्स टू डेल प्लस फाई, तो डेल प्लस फाई मतलब फाई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 36.86 डिग्री प्लस डेल इज इक्वल्स टू 53.955 डिग्री, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो डेल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दिस माइनस 36.86, तो इसका वैल्यू बन रहा है भाई 17.095, क्या बन रहा है 17.095 डिग्री, 17.095 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डेल, किसका वैल्यू बन रहा है, लोड एंगल डेल का वैल्यू बन रहा है, बात समझ में आ गई। अब देखिए डेल का वैल्यू आ गया, उसने अपन को क्या पूछा है, उसने पूछा अपन को कि एक्साइटेशन ईएमएफ का वैल्यू पूछा है। तो भाई देखिए जनरेटर के लिए मैंने किस टाइप से लिख के दिया था और मोटर के लिए किस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। देखिए जनरेटर के लिए आपने क्या लिखा था, ई एफ मतलब आपने एक्चुअली जो फाइंड किया था किसके लिए, ठीक है, वी टी के टर्म्स में आपने उसको फाइंड किया था, ठीक है, मैं वी टी के टर्म्स से लिख देता हूँ, तो ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी कॉस डेल प्लस आई ए आर ए, उसके बाद क्या लिखा था आपने, प्लस आई डी एक्स डी, इस टाइप से, ये आई क्यू था मेरे से, नहीं ये सही है, ये आई क्यू था, इस टाइप से लिखा था आपने, ठीक है। और यही से लैगिंग के लिए आपने किस टाइप से लिखा था, ये तो लैगिंग के लिए था, लीडिंग के लिए क्या करते थे आप उसमें जनरेटर के केस में, वी टी कॉस ऑफ डेल प्लस आई क्यू आर ए, बस यहाँ पे एक्स का साइन है तो एक्स के साथ जो साइन आएगा दिस विल बी उसके अपोजिट हो जाएगा। एक इसके लिए थे भाई जनरेटर के लिए, मोटर के लिए क्या करोगे, जो लैगिंग का है पहले एज इट इज उसको लिखो, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास जनरेटर का लैगिंग का, इस यहाँ से वी टी कॉस डेल दोनों को क्या करो तो माइनस, मोटर के लिए आई क्यू आर ए माइनस आई डी एक्स डी, इस टाइप से। एक किसके लिए बनेगा भाई, ये बनेगा आपके पास मोटर के लिए, किसके लिए, मोटर के लिए। अब मोटर में लैगिंग के लिए दोनों नेगेटिव है,
अगर आप लीडिंग के लिए जाते हो मोटर में तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम वी टी ऑफ कॉस ऑफ डेल माइनस आई क्यू आर ए, तो निगेटिव की जगह पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस विल बिकम आई डी एक्स डी, दिस विल बिकम वॉट आई डी एक्स डी। बात समझ में आ गई किस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो उसको, अगर पता नहीं होगा तो ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें पता कर सकते हो जनरेटर का फॉर्मूला से। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ गया। अब आपके पास देखिए ये वाला, अगर यहाँ से अगर ई एफ का वैल्यू पता करना चाहते हो तो आपके पास देखिए कॉस डेल का वैल्यू है आई क्यू आर ए, तो ये तो जीरो बन जाएगा क्योंकि आर ए का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, और आई डी एक्स डी वैसे उसने नेग्लिजिबल बोला था, कंसिडर करेंगे जीरो, और एक्स डी आई डी एक्स डी में देखिए आई डी का वैल्यू नहीं है, तो आई डी का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, मैंने बोला था आपको उस टाइम पे, तो आई डी इज इक्वल्स टू आई ए मल्टीप्लाई बाई वॉट साइन ऑफ साई, क्या बोलोगे आई ए मल्टीप्लाई बाई वॉट साइन ऑफ साई इस टाइप से। तो आई डी का जो वैल्यू बनेगा आपके पास, आई डी इज इक्वल्स टू 131.21 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ साई का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 53.955 डिग्री, क्या बन जाएगा 53.955 डिग्री, ये बन जाएगा किसका वैल्यू भाई आई डी का। तो देखते हैं कि आई डी का वैल्यू कितना आता है यहाँ से, तो जो आई डी का वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी साइन ऑफ 53.955 मल्टीप्लाई बाई 131.21, ये बनेगा 106.09 एम्पियर, कितना, दिस इज इक्वल्स टू 106.09 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आई डी, ये किसका वैल्यू आ रहा है भाई आई डी का वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ गया आपको पर? ठीक है, बाद में बात करते किसके अभी ई एफ की, तो देखिए ई एफ क्या आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी कॉस डेल प्लस आई डी एक्स डी, इतना एक्सप्रेशन बचेगा। वी टी का वैल्यू है भाई कितना 38.10.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 17.095 डिग्री, प्लस आई डी का वैल्यू कितना है 106.09 मल्टीप्लाई बाय एक्स डी का वैल्यू है 23.2 डिग्री, सॉरी 2 क्या या 5 है, 23.2 ओम। ठीक है, तो दिस विल बिकम लाइक दिस, तो इसको सॉल्व करना है बस, देखते कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 23.2 प्लस 38.10.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 17.095, ये आ जाएगा 6103.44 वोल्ट, ये आ जाएगा ई एफ का वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू कैसा होगा भाई, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्साइटेशन वोल्टेज और दिस विल बी व्हाट पर फेज वोल्टेज। अपन को अगर कुछ मेंशन नहीं किया मतलब लाइन वोल्टेज पता करना होता है, तो ये इसका वैल्यू देखते कितना आ जाएगा, दिक्स मल्टीप्लाई बाय √3, ये आ जाएगा 10.571 के वी, ये आ जाएगा भाई ई एफ का एक्साइटेशन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज आ जाएगा इसका, दिस इज द पर फेज वोल्टेज। बात समझ में आ गई, इस टाइप से आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको धीरे धीरे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला इसमें, सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर हैज एक्स डी इक्वल्स टू 0.85 पर यूनिट एंड एक्स क्यू इक्वल्स टू 0.55 पर यूनिट, इट इज कनेक्टेड टू द बस बार ऑफ 1 पर यूनिट वोल्टेज व्हेन its excitation is adjusted to 1.2 per unit, when its excitation is adjusted to 1.2 per unit, calculate the maximum power that motor can deliver without loss of excitation, without loss of excitation, ठीक है, loss of excitation के साथ नहीं बोला उसने, तो question बहुत अच्छा है भाई, देखते हैं कि क्या बोला उसमें। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, given क्या है, given लिख लोगे, given देखते हैं, सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर है भाई, सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, दिस इज गिवन टू अस, एक्स डी और एक्स क्यू के वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है, एक्स डी है 0.85 पीयू, एक्स क्यू है 0.55 पीयू, एंड इट इज कनेक्टेड टू बस बार ऑफ वोल्टेज 1 पर यूनिट, सो वी टी इज इक्वल्स टू 1 पर यूनिट, एक्साइटेशन का वैल्यू दिया उसने कितना 1.2 पर यूनिट, कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर आउटपुट दैट मोटर कैन डिलीवर विदाउट लॉस ऑफ एक्साइटेशन, विदाउट व्हाट लॉस ऑफ एक्साइटेशन। देखिए भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पी इज इक्वल्स टू साइलेंट पोल्स सिंक्रोनस मोटर का पावर का फॉर्मूला की बात करो, ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्स डी इंटू साइन डेल प्लस वी टी स्क्वायर बाय टू प्लस वट वी टी स्क्वायर अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन
एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी इंटू साइन ऑफ टू डेल इंटू वॉट साइन ऑफ टू डेल इज इक्वल दिस इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी अगर जाननी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। सो डी पी बाई डी डेल इज इक्वल्स टू ई एफ वी टी अपॉन एक्स डी मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव साइन डेल का डेरिवेटिव क्या जाएगा कॉस डेल। ठीक है, सो दिस विल बिकम कॉस डेल प्लस वी टी स्क्वायर बाय टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी। साइन टू डेल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस टू डेल आ जाएगा, कॉस ऑफ टू डेल। और मैक्सिमम पावर फाइंड करना तो उसके लिए देखिए दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप डेरिवेटिव लेके उसको किसके साथ इक्वेट करते हैं? जीरो के साथ। फिर वापस से अपना वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करते हैं, समझ में आ गया बेटा बात। तो देखिए मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, ई एफ इंटू वी टी अपॉन एक्स डी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल प्लस वी टी स्क्वायर अपॉन टू इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स डी इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वाट एक्स डी इंटू एक्स क्यू इंटू। देखिए कॉस टू डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कॉस टू डेल को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, टू कॉस स्क्वायर डेल माइनस वन, बिल्कुल सही है। सो दिस विल बी टू कॉस स्क्वायर डेल माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं तो इसको देख लेते हैं, उसको पहले ओपन कर लेते हैं इस टर्म को। सो दिस विल बिकम ई एफ वी टी अपॉन एक्स डी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल प्लस देखिए टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम वी टी स्क्वायर अपॉन एक्स डी इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू वॉट एक्स डी माइनस एक्स क्यू। तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस और ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी स्क्वायर अपॉन एक्स डी इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू वॉट कॉस स्क्वायर डेल इंटू वॉट कॉस स्क्वायर डेल, ये इस टाइप से बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है उनके बारे में देख लेते भाई। तो कॉस स्क्वायर डेल प्लस अगर सपोज मैं इसी टर्म से डायरेक्टली डिराइव करना सॉरी डिवाइड करना स्टार्ट करते तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ई एफ वी टी अपॉन एक्स डी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल एक्स डी मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ डेल मल्टीप्लाई बाय इससे डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, तो ये बन जाएगा नीचे में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू एक्स डी इंटू एक्स क्यू। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा आपके पास आगे वाली जो टर्म है दिस विल बी माइनस वी टी स्क्वायर इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स डी इंटू एक्स क्यू इंटू इसी टर्म से डिवाइड करना है ना अपन को उसको भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स डी माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय नहीं 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 एक्स डी इंटू एक्स क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वी टी स्क्वायर माइनस इंटू एक्स डी माइनस वॉट एक्स क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप से आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, इसमें तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल सिर्फ वन बाई टू बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखते क्या बचने वाला है यहाँ से। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एक वी टी कैंसिल हो गया, एक ये वाला वी टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो भी कुछ बचने वाला है देखते कि क्या बच रहा है अभी। सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर डेल प्लस ई एफ कॉस ऑफ डेल प्लस ई एफ कॉस ऑफ डेल, ये भी बाकी है ना, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ वी टी ट्वाइस
ट्वाइस ऑफ वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, इस टाइप से बच रहा है। ठीक है, माइनस वी टी स्क्वायर, तो देखिए ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, सिर्फ ओनली वन बाई टू बच रहा है। क्या बच रहा है, वन बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है, सही है, सही जा रहा है मतलब अपन। तो इसको माइनस बी बी, देखिए अपन उसको फाइंड करते हैं, अपन उसको कि सपोज अगर एक्स वन या एक्स टू इनके वैल्यूज फाइंड करें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, इस टाइप से जाते हैं अपन। तो यहाँ पे बी जो आएगा भाई, दिस विल बिकम माइनस ऑफ ई एफ इंटू कॉस ऑफ कॉस डेल, मतलब वही उसी का तो वैल्यू फाइंड करना अपन को कॉस डेल का, क्योंकि उसी के टर्म्स में तो इक्वेशन है अपन के पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस ई एफ अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू वॉट एक्स डी माइनस एक्स क्यू, इस टाइप से। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बी का ये बन जाएगा आपके पास ई एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ऑफ वी टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स डी माइनस एक्स क्यू। ठीक है, माइनस फोर टाइम्स ऑफ माइनस वन बाय टू, इस टाइप से आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय इस टाइप से आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं उसको टू को अगर दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई, मतलब टू को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका वैल्यू देखिए किस टाइप से आने वाला है। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ डेल इज इक्वल्स टू माइनस ई एफ अपॉन फोर वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के पल प्लस माइनस है ना दिस। एंड देखिए जब ये टू जब अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए मैं इस टू को एडजस्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा फोर ई माइनस ई एफ अपन फोर वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू। फिर अगर मैं उसको अंडर रूट के अंदर लेके जाऊँगा तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय, बाहर वन बाय टू आ रहा है मतलब अंदर क्या बन जाएगा वन बाय फोर, तो बन जाएगा वन बाय फोर प्लस, देखिए ये बन जाएगा आपके पास ई एफ का स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर इंटू वी टी का स्क्वायर इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इसका स्क्वायर इसका। तो देखिए अगर मैं इसको एडजस्ट करके बताऊँ तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ डेल इज इक्वल्स टू माइनस ई एफ अपॉन फोर टाइम्स ऑफ वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू प्लस, दिस विल बिकम फोर से फोर कैंसल, सो दिस विल बिकम वन बाई टू प्लस ई एफ अपॉन फोर टाइम्स ऑफ वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इसका स्क्वायर। बात समझ में आ गया आपके पास आपको? ठीक है, जो आपके पास कॉस डेल का वैल्यू, तो देखिए भाई ई एफ का वैल्यू क्या है, उसके वैल्यू पुट कर देते 1.5 पर यूनिट ई एफ, 1.2 पर यूनिट ई एफ, एक्स क्यू का वैल्यू 0.55, एक्स डी 0.85 एंड वी टी 1 पर यूनिट। तो यहाँ से अपन उसका वैल्यू फाइंड कर देखिए उसका वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बिकम माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.85 माइनस 0.55, दिस विल बिकम 0.30। ठीक है, 0.30 बन जाएगा ना, 0.85 माइनस 0.30 55, बिल्कुल सही, प्लस माइनस 1/2 प्लस ई एफ का वैल्यू कितना 1.2 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 0.3 इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, अगर माइनस साइन लगे तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा प्लस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव कैसे आएगा यार, डेल का वैल्यू इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, 90 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो प्लस ही आ जाएगा, सो डेट दिस विल बिकम लेस देन 1, तो ये बन जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ठीक है, इस टाइप से, और ये तो 1 बन रहा है, 1 प्लस 1 मतलब 0.5, दिस विल बिकम 3 बाई 2, इसका अंडर रूट ये बनेगा आपके पास
1.22, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1.2247, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस वन। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है। दिस विल बिकम 0.2247, प्लस ही लेना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं ले सकते। तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेल, ठीक है, चाहे तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बिकम लाइक दिस, तो कॉस्ट डेल का वैल्यू आ जाएगा 0.2247। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा डेल का। दिस विल बी 1.2247 माइनस वन, और इसका कॉस इनवर्स 77.014। डेल का वैल्यू आ जा रहा है 77.014 डिग्री। दिस इज द वैल्यू फॉर डेल। ये किसका वैल्यू पे? डेल का वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब अपन पता करेंगे भाई किसका वैल्यू, पी का वैल्यू पता करेंगे, कि जिसमें देखेंगे कि डेल का वैल्यू कौन सा, मैक्सिमम डेल के वैल्यू के लिए देखिए उसका पावर कितना आएगा, मतलब डेल का वैल्यू इतना आ गया। तो देखते हैं कि पावर पी विल बी इक्वल्स टू, अब वो जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर सिंगल फेज पावर। अपन को थ्री फेज पावर की बात की जाएगी, सिंगल फेज पावर मतलब नहीं, पर फेज पावर के लिए अपन ने उसको फाइंड किया है, थ्री फेज की पावर चाहिए, तो अपन तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस मल्टीप्लाई बाय ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी, तो ई एफ का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी टी इज 1, डिवाइडेड बाय एक्स डी, एक्स डी का वैल्यू 0.85 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ, साइन का वैल्यू कितना बन जाएगा डेल का 77.0 सॉरी 104, प्लस वी टी स्क्वायर बाय 2, तो वी टी मतलब 1/2, दिस विल बिकम वॉट एक्स डी माइनस एक्स क्यू, एक्स डी का वैल्यू 0.85 माइनस 0.55, दिस विल बिकम 0.3, दिस 0.3 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.55, दिस मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 डेल, सो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय डेल का वैल्यू 77.014 एक्चुअली, ये बन जाएगा आपके पास पावर। देखिए भाई इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1.2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 77.014, ये डिवाइडेड बाय 0.85, डिवाइडेड बाय व्हाट 0.85, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.3756। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर गलती मतलब कहीं पे गलती हो गई हो, तो साइन ऑफ 77.104 दिस डिवाइडेड बाय 0.85, ये बन जाएगा 1.36376, बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 77.014, दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.55, ये बन जाएगा 0.1405, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब देखते हैं कि जो टोटल पावर जो आएगी आपके पास, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय दी सिंक्रोनस मोटर, इट विल बी 0.1405 प्लस 1.3756, दिस मल्टीप्लाई बाय 3, 4.5483 पी यू, दिस इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय दी सिंक्रोनस मोटर टू द लोड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द बस बार ऑफ 1 पर यूनिट, 1.3756 प्लस 0.1405 मल्टीप्लाई बाय 3, 4.5483 करेक्ट है। तो देखिए आपको एक बात यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, आंसर तो आ गया करेक्ट है। क्या ना, आप जब भी कैलकुलेशन करो ना, एक बार थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि मेक इंश्योर डैट योर कैलकुलेशन इज करेक्ट, क्योंकि देख सकते हो कि आप इवन मैं वीडियो में भी उसको दो दो बार चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं कभी सॉल्व नहीं करता उसको, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आके सॉल्व करता हूँ और इसके लिए कैलकुलेटर के सॉल्व करता हूँ, इसके लिए क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर गलती होगी सिर्फ कैलकुलेशन में होगी, कॉन्सेप्ट में कभी होगी नहीं, और कॉन्सेप्ट में गलती नहीं कैलकुलेशन में गलती है, तो मतलब कैलकुलेशन में गलती इस बात की वजह से कि आपका कैलकुलेशन मतलब आपका प्रैक्टिस बहुत कम है, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, और कैलकुलेटर बहुत अच्छे से मतलब अपने हाथ में उसका मतलब इतना पकड़ बना लीजिएगा कि आपको जैसे भी नंबर दिखेगा आप तुरंत अच्छे से उसको टाइप करें और उसको जल्दी से जल्दी आंसर करना। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये मैंने इसको डायरेक्ट डिराइव करके आपको बताया, आप बिना डिराइव करके भी डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख सकते थे अगर आपको याद होगा तो। देखिए मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था कि कॉस ऑफ डेल मैक्सिमम पावर के लिए देखिए उसका वैल्यू जो आएगा, दिस विल बिकम माइनस ई एफ अपॉन 4 VT इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू इंटू वॉट एक्स डी माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस ई एफ अपॉन 4 VT, यही वाला टर्म भी
वी टी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, इस ओवरऑल टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इस ओवरऑल टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बस यही से। और आपको पता होना चाहिए कि माइनस है और यहाँ पे अगर माइनस ले ले तो कॉस ऑफ डेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कॉस ऑफ डेल नेगेटिव मतलब डेफिनेटली इट विल गो इन व्हाट, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में कॉस डेल नेगेटिव और डेल का वैल्यू मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री से कभी हो ही नहीं सकता ज़्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो साइलेंट पोल के मोटर, साइलेंट पोल मोटर की बात कर रहे हैं भाई, ये 90 तो मतलब कभी जा ही नहीं सकता, पहले बता रहा हूँ मैं, बिलो 50, 45, 70, 37, 38 इसके आसपास रहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे, अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट उसका आंसर पता कर सकते थे, अगर नहीं पता होगा तो मैंने आपको प्रोसेसर बताया है कि स्टेप्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।